मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने कौशल कला में माहिर दिव्यांगजनों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां पर 3 दिवसीय दिव्य कला व कौशल प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। दिव्यांगजनों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को और भी नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश ईश्वर अवतरण की भूमि है और उत्तर प्रदेश का संभवतः पहला राज्य होगा कि जिस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए 2 विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं, जिसमें एक डॉक्टर शकुंतला मिश्रा लखनऊ व दूसरा जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में संचालित है। दोनों विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं उन्होंने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शनी को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसके अलावा सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेंगे। इसमें दिव्यांगजनों की नई तकनीकी का प्रदर्शन, दिव्यांगजनों की सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन, स्वावलंबी दिव्यांगजनों के द्वारा फूड कोर्ट, दिव्यांगजनों के लिए शैक्षिक पुनर्वास हेतु शिक्षक गैलरी, दिव्यांगजनों में रसायन उपकरण का वितरण का कार्यक्रम होगा जो कि 3 दिन चलेगा। उन्होंने कहा, दिव्यांगजन सरकार के भी व समाज के भी हकदार हैं, वह इस बात की अपेक्षा भी करते हैं। यह दिव्य कला व प्रदर्शनी के आयोजन में बस्ती व गोरखपुर कमिश्नर के लोग आएंगे। उनके अनेक अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। इसमें दिव्यांगजनों के विद्यालय व स्वयंसेवी संस्थाएं भी भाग लेंगी। इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी का शुभारंभ। स्वागत है श्री सुभाष। देखो 1980s में मेरे फेवरेट एक सिंगर थे, एक वो राणा स्टीवी वंडर, हॉलीवुड में उनके भी लोग ना वर्ल्ड फेमस सिंगर, वी आर द वर्ल्ड एक सिंग गाना गाया था उन्होंने। और ऐसे बहुत सारे दिव्यांगजन को जानते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य महाराज जी और भारत सरकार और राज्य सरकार पैरा ओलंपिक में अभी बहुत ध्यान दे रही, बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रही है। पैरा ओलंपिक में हम लोग गोल्ड मेडल बहुत लेके आए हैं। अगर आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार भाजपा आई है तो पूरा प्रयास रहेगा कि पैरा ओलंपियंस को काफ़ी, और पैरा ओलंपियंस ने टाइम रिकॉर्ड नहीं तो हमेशा चाइना और अमेरिका ब्राज़ील आता था, इस टाइम पे भारत ने बहुत रिकॉर्ड कायम किया। तो आप लोगों की शक्तियों को आप लोगों के जाने बहुत जरूरी बा। आप लोगों के पास सिंगिंग का शक्ति बा, जैसे हम अभी सुने इन लोगों के बजाते हुए और इन लोगों के गायकी सुने, क्योंकि मन में को और लोग है ही नहीं ना। क्यों पवित्र हैं आप लोग, कुछ चाहिए नहीं, दुनिया को देख नहीं रहे हो, ना बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना लोभ, ना मोह, ना माया, ना जमीन, ना दगीना, कुछ लाभ ईश्वर से कनेक्टेड है। डायरेक्ट आप लोग का वायरिंग ऊपर से जुड़ा हुआ। समय आई भाई, देश में प्रभु राम अपने महल में चल गई ना, यह ज्ञान व्यापी महादेव के भी बड़ा आनंद मिलत हुए कि पूजा अर्चना वहरो शुरू हो गई। इस समय जो ग्रह नक्षत्र भारत का चला था, निस्वार्थ दुगो संत, देखो मोदी जी, एगो पूज्य योगी महाराज, इस समय कबो ना मिली हो हमने के सौभाग्य की, ऐसी दुगो संत भेटना जे दिशा और दशा बदल देना और बदल दे तड़न आए वाला पीढ़ी सज जाई, सवर जाई हमार। नहीं तो हमने अपने पहचान के लिए मोहताज रहने की हमने के है। श्री राम जान के बैठे मुख्यमंत्री महोदय के कौन बनेगा करोड़पति कॉन्सेप्ट की विनर रही है, तालियों के साथ इनका भी स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मान के साथ स्वागत मानसी गुप्ता जी, मुख बधेर,
नेक्स्ट हम आमंत्रण अंकी में विजेता रहे सातवीं डेफ चैंपियनशिप राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्मार्ट केन को प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करने के उपरांत श्रम कमलों से उपकरण वितरण की यह संरक्षण यह स्नेहिल वरद हस्त उत्तर प्रदेश के साथ इस नन्हे बच्चे को जो आज के तीन दिवसीय कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, दिव्यांग जन के कल्याण के लिए लगी हुई सभी संस्थाओं के प्रमुख गण, उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, आज यहां पर तीन दिवसीय दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी का उद्घाटन करके दिव्यांग जनों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को और भी नजदीक से देखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए सभी संबंधित महानुभावों को, संस्थाओं को और इन सभी दिव्यांग जनों को हृदय से इनका अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं, इनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश ईश्वर अवतरण की भूमि है और उत्तर प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जिस राज्य में दिव्यांग जनों के लिए दो विश्वविद्यालय सरकार के स्तर पर संचालित हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ में और जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में संचालित है। दोनों विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए जो छात्र हैं उन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शनी को भी यहां पर प्रस्तुत किया हुआ है। दिव्यांग जन सरकार के भी और समाज के भी इसी प्रोत्साहन के हकदार भी हैं और वे इस बात की अपेक्षा भी करते हैं और यह दिव्य कला कौशल प्रदर्शनी का यह आयोजन भी तीन दिवसीय आयोजन जिसमें गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी से जुड़े हुए दिव्यांग जन आएंगे, उनके अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। इसमें दिव्यांग जनों के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं, विश्वविद्यालय भी, कॉलेजेज भी, स्कूल भी और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें प्रतिभाग करके इसके साथ जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर हैं, हम सब इस बारे में मैं आपको इस बात के आज यहां पर जो हम लोगों ने किया, जो प्रदेश के अंदर हमारी स्थिति है, जो आज के लाभार्थी यहां पर थे कार्यक्रम में आने के साथ, मैंने दिव्य कला कौशल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मोटराइज ट्राइसाइकिल जो 30 की संख्या में थी, मैनुअल ट्राइसाइकिल 100 की संख्या में थी, स्मार्ट केन यानी छड़ी 4, हियरिंग एड 3, स्टॉल प्रदर्शनी 40, फूड कोर्ट 5, पुस्तक गैलरी 3, चित्रकला प्रदर्शनियां इसमें 52 दिव्यांग प्रतिभागीगण 600 और अन्य प्रतिभागी 500, ये सभी यहां पर आज हम लोगों ने देखे। प्रदेश में वर्तमान में 10,40,000 से अधिक दिव्यांग जन हैं जिनको हम लोग 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की राशि दे रहे हैं।
लेकिन आज मैं इस बारे में कहूंगा दिव्यांगजन कल्याण विभाग से और प्रशासन से, प्रदेश के सभी प्रशासन से अभियान चला करके, कोई भी दिव्यांगजन, उसके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए, उस परिवार के पास मकान नहीं तो उसको मकान उपलब्ध करवाया जाए और अनिवार्य रूप से उनके लिए पेंशन की सुविधा और उनकी फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कराई जाए। स्कूल पढ़ने वाले जितने भी दिव्यांगजन हैं, जिनके पास चलने फिरने में जो समर्थ हैं, लेकिन उनके हाथ कार्य कर सकते हैं, उनको मोटराइज ट्राइसाइकिल देने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। हमने इससे पहले हर संसदीय क्षेत्र में 100-100 मोटराइज ट्राइसाइकिल उपलब्ध करवाई थी और हमारा प्रयास हो, हम फोकस उन बच्चों को फोकस करें जो स्कूल पढ़ने वाले हैं, उनमें प्रतिभा है, उनमें लगन है, कार्य करने की एक व्यवस्था है, उसको हम आगे बढ़ाएं। पहले 300 रुपये पेंशन मात्र मिलती थी, हमने इसको बढ़ा करके 1000 रुपया किया है। रफी किशन भैया को भी मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी गाने है जो मैं गाना लिखा था, मैं पागलपन कर मैं फिर दुनिया में जाने के लिए खाली का जोहर के गोलिया रे, खाली का जोहर के गोलिया रे, बार याद आवे ओकर बोलिया रे। के संरक्षण में हम सब सदैव